यार यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में कितना मजा आएगा। तो यार सबसे पहले फ्यूल अप कराते हैं एंड उसके बाद चलते हैं भाई फुल आगे। सो यार फाइनली फ्यूल अप भी करा दिया 800 का डाला क्योंकि यार पहले से इतना था ना ऑलरेडी। तो फिलहाल से यार अब चलते हैं हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी जाने के लिए ना शॉर्ट रूट चूज़ करूँगा क्योंकि यार लॉन्ग ना बहुत लॉन्ग पड़ जाता है, किच्छा वगैरह जाना पड़ता है वहाँ से, नहीं चोर गलिया से जाएंगे। तो फिलहाल से यार मौसम की बात करें, मौसम तो एक नंबर हो रहा भाई। मतलब मैंने ये 16, 17, 18, 19 ही चूज़ करी क्योंकि यार यहाँ पे ना बारिश का अलर्ट दिया था और भाई बारिश जब होती है ना भाई तो मौसम भी एक मस्त होता है, एक नंबर का होता है। तो फिलहाल से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, धूप है इधर पे, गर्मी भी हो रही है, अगर रुक रहे हैं तो तब हो रही है गर्मी, समझ रहे हो बात को। शेयर के अप्रोक्सीमेट 45 मिनट हुए हैं ट्रैवल करते करते एंड मैं पहुंच चुका हूं चोर गलिया की मेन मार्केट पे। एंड फिलहाल से यार यहाँ से ज़्यादा नहीं, मतलब 20 किलोमीटर होगा हल्द्वानी, तो देखते हैं भाई क्या होता है। और साफ सी बात है तुम्हें आगे को दिख गए होंगे पहाड़ भाई, एक नंबर के दिख रहे हैं, मतलब विजुअलिटी काफ़ी बेहतर है पहले से। एंड जो ये तारीखें हैं ना 16, 17, 18, 19, 20 जो भी हैं, ये थोड़ी सी मॉनसून वाली है। यहाँ से मैंने यही डेट चूज़ करी थी कि मैं तभी ब्लॉग शूट करूँगा यहाँ पर हल्द्वानी पे जाके। फिलहाल से यार अभी चलते हैं हल्द्वानी पे एंड दाव वगैरह से मिलते हैं, फिर उसके बाद भाई भीमताल जाएंगे, सातताल जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। सो यार गाइस बस जस्ट ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी पे एंड 7 किलोमीटर बचा है यहाँ तक, है 7 किलोमीटर बचा है एंड उसके बाद हम होंगे हल्द्वानी पे भाई। सो गाइस यार हाँ आप कह सकते हैं कि हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं क्योंकि यार ये जो ब्रिज है ना वो मतलब हल्द्वानी को जोड़ता है पीछे वाले एरिया से एंड यहाँ का जो व्यू है ना भाई एक नंबर पे है। अंकल यहाँ पे श्रीराम गेस्ट हाउस है कहीं पे नहीं पता। भैया श्रीराम गेस्ट हाउस पता है कहाँ पे? श्रीराम गेस्ट हाउस हाँ ठीक ठीक ये तो दिखा रहे हैं यार। ओके शुक्रिया। सो यार गाइस फिलहाल से मैं हल्द्वानी पहुंच चुका हूं एंड भाई गूगल मैप्स में देखा ना मैंने भयंकर इतना घुमा दिया बाप रे। अभी दान आने वाले हैं फिर उनके साथ जाते हैं। तो फिलहाल से यार मैं तब तक सोच रहा हूं कि ना क्योंकि यार भूख लग रही है भाई बहुत, सुबह से कुछ खा भी नहीं रखा है। तो फिलहाल से यार वहाँ पे शॉप है वहाँ पे जाते हैं एंड वेज राइस खाता हूं। वहां जाने के लिए कहां से जाऊं अब? भाई साहब यहाँ से इतना घूम के जाना पड़ रहा है यार। एक तो यार हमको अपनी वनबसा की आदत है ना तो यार यहाँ पे हो नहीं पा रहा भैया, इसलिए यार घूमना पड़ेगा पता है। तो फिलहाल से यार इस दुकान इस शॉप पे जानता है एंड पूरा घूम के आया मैं, तो फटाफट से सामान पैक करवाते हैं यार, अपना भूख बहुत लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा भयंकर इतनी ज़िंदगी में ना लगी हो। कौन सा बताया था यार वो है एंड मौसम की बात करें ना भाई बादल आ रखे हैं, एक नंबर का मौसम हुआ भाई सच में, पता है लिटरली बता रहा हूँ। सर हेलो जी गुड इवनिंग। अब बोल रहे हो तुम गुड इवनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यार अभी ना बज रहा है 6 और हम निकल चुके हैं काठ गोदाम से आए को, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना काठ गोदाम पे रह रहा हूँ मैं एंड उसके आगे जा रहे हैं थोड़ा रानी बाग के साइड को, वहाँ से बहुत ही मस्त व्यू आता है। तो फिलहाल से यार आज का मौसम की बात करें ना, आज के मौसम की तो मतलब फेवरेबल है, मतलब बारिश बताई थी बट बारिश नहीं हुई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। सनसेट देखते हैं भाई सनसेट कितना मस्त आता है एंड नैनीताल साइड को ना बारिश हो रही है पक्का, नैनीताल भीमताल, बट हम भीमताल कल जाने वाले हैं यार, हमारा बैड लक है वो
पर यार कल बारिश हो गई ना तो मजा आ जाएगा। तो फिलहाल चाहे चलते हैं एंड तुम्हें व्यू के नज़ारे दिखाते हैं। एंड क्या जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है भीमताल 27 किलोमीटर है ना, तो हमें कल जाना है 27 किलोमीटर इधर साइड से, शॉर्टकट होता है यहाँ से। तो फिलहाल सर एक चीज़ और बता दूँ कि जो हल्द्वानी है ना वो थोड़ा प्लेन्स में आया, बट जो काठगोदाम है ना हल्द्वानी के बाद वो आया माउंटेन वाली रेंज पे। इसका मतलब हम रह रहे थे माउंटेन वाली रेंज पे और यहाँ पे मिला हमें ट्रैफिक हल्का सा, ज़्यादा नहीं। यार मौसम की बात करें ना भाई, यार बनबसा में बहुत गर्मी हो रही थी यार, बनबसा से तो यहाँ पे राहत है क्योंकि यार हम पहाड़ों पे हैं ना इसलिए। भीमताल 17 किलोमीटर, कल चलते हैं भाई। भीमताल में गया भी नहीं, पता है, लिटरली बता रहा हूँ भीमताल नहीं गया हूँ, नैनीताल जा रखा हूँ। अगर हम नैनीताल से होते हुए भीमताल जाएंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे सीधे भीमताल। यहाँ से शॉर्टकट पड़ता बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेट यार मैक्सिमम गाड़ी वहीं को जा रही है, ये भी चले गई लो। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी इधर ही को है। यस यस गॉट इट। सर फिलहाल से अभी अब सीजन आ रहा है ना टूरिस्ट का, तो यार फिलहाल से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है, तो जब भी तुम आओ तो ध्यान पे रख के आओ कि यार ट्रैफिक को तुम्हें झेलना ना पड़े, या फिर सुबह आओ या फिर तुम रात को ही आओ, समझ रहे बात को। दिन पे आओगे तो यार तुम्हें ट्रैफिक तो देखने को मिलेगा ही। एंड यार थोड़ा सा यार रानी बाग तो मतलब बहुत बड़ा हुआ, तो फिलहाल से हम वहाँ पे जाएंगे ना जहाँ पे व्यू मिले, तो बस व्यू की तलाश है। मतलब थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे जहाँ पे से ना माउंटेन की रेंजेस दिख जाएँ और सनसेट दिखे मस्त सा। अभी बादल वगैरह दिख रहे थे बट पता नहीं अब कहाँ चले गए यार, खो गए क्या। सो यार गाइस फिलहाल से अप्रॉक्सीमेट हम 10 किलोमीटर चल गए होंगे एंड यार एक व्यू मिला हमें यहाँ पे और बहुत ही मस्त है भाई। यहाँ पे जो मतलब दिख रहा है ना भाई, सनलाइट की रेजेस पड़ रही है ना भाई, बहुत ही मस्त आ रहा है अल्टीमेट। और ये नैनीताल वाले रूट पर आ रखे हैं, मतलब इस रूट पे ना भाई इतने तगड़े तगड़े व्यू है ना भाई, व्यू देखते देखते भयंकर हम कब 10 किलोमीटर चल गए पता ही चला। फिर हमने अपनी गाड़ी को जान मुझ के ब्रेक मारा क्योंकि यार हमें कल भीमताल भी जाना है ना, तो फिलहाल से यार हम यहाँ पे रुके हैं बड़ी मुश्किल से। हमने सोचा कि यार आज नैनीताल पहुँच ही जाते हैं चलते चलते, तो फिलहाल से यार यहाँ पे तुम्हें सिनेमेटिक दिखाते हैं उसके बाद तुम इन्जॉय करो।